आज हमें यूनिक स्मूदी बना रहे हैं जो हेल्दी है ही और मज़ेदार भी है, किनोवा स्मूदी। हम स्टार्ट करेंगे किनोवा से। ये प्रोटीन कंटेंट में बहुत ही रिच पाए जाते हैं और स्मूदी को इसे एक हेल्दी टच मिल जाता है। ज़रूरी पोषक तत्व होने के साथ यह ग्लूटेन फ्री भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वेच्छा प्रीमियम किनोवा सीड्स। किनोवा को अच्छे से 2-3 बार धो लेंगे जब तक कि उसका पानी क्लियर ना हो जाए। इसमें किनोवा को छान लेंगे। जब तक किनोवा सोक हो रहा है हम पानी गर्म कर लेंगे। पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सोक किया हुआ किनोवा डालेंगे। किनोवा को 15 मिनट के लिए उबाल लेंगे। यह जितना बनाने में आसान है उतना ही ये पचाने में भी आसान है। किनोवा अच्छे से कुक हो गया है, जैसे आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है। अगर आपको ऐसा लगे किनोवा की क्वांटिटी ज़्यादा कुक हो गई है तो आप कुछ पोर्शन निकाल के फ्रिज में रख सकते हैं आफ्टर यूज़ के लिए। किनोवा पूरी तरह पक जाने के बाद एक्स्ट्रा पानी को छान ले। सबसे पहले हम लेंगे एक ब्लेंडर, उसमें डालेंगे किनोवा, उसी के साथ दूध, चिया सीड्स, कोको पाउडर, कॉफी पाउडर, हनी, और हाफ बनाना। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जरूरी पोषक तत्व होने के साथ यह ग्लूटेन फ्री भी है। यह अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, तो चलिए करते हैं सर्व। बच्चों को हर दिन कुछ नया खाने को चाहिए, तो किनोवा से हम ऐसे कई दिलचस्प रेसिपी बना सकते हैं जो बच्चों को बेहद पसंद आएंगे। यम, कोई पहचान ही नहीं पाएगा ये किनोवा से बनी है। टेस्टी एंड फुल ऑफ प्रोटीन्स।